Hello students, welcome back to my YouTube channel APT Adda. I am your math mentor Izhar Uddin. Class 10th Mathematics Chapter number 7 Coordinate Geometry के जितने भी मैं question लगवाने जा रहा हूँ ये सभी question NCERT exemplars होंगे, previous year के board के question होंगे और इस सेशन के अंदर 2023 के अंदर आने वाले जो भी पॉसिबिलिटी होगी क्वेश्चन की वो क्वेश्चन मिलेंगे. तो आप इधर उधर ज़्यादा भटके ना, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को आप लगाएं. मैं गारंटी लेता हूँ 100% आपको इस चैप्टर के अंदर यहीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फोल्डर में जाइए, एपी के फोल्डर में जाइए. जो फोल्डर के अंदर वीडियोज़ की रेंज है वो आपको 10 to 20 मिलेगी. आप उनको अच्छे से लगा लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ वहीं से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं. पेन कॉपी लेकर बैठिए, पहला क्वेश्चन नोट करिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. और इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और देखिए कितना सिंपल वे में इस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ. और बच्चे क्या गलती करते हैं वो भी मैं बताता हूँ. देखिए कैसे, इफ़ 1, 2, 4, 5, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम. क्या होता है पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं. अब बोलेंगे सर ये तो रेक्टेंगल में भी तो होता है. तो भैया रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस होता है? रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल बराबर होते हैं लेकिन पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल बराबर नहीं होते हैं. कहने का मतलब ए सी बराबर नहीं होगा किसके? बी डी के. बी डी के ये कॉन्सेप्ट आप अपने क्लियर करिए. ठीक है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस होता है? ये डिफरेंस होता है कि अपोजिट साइड दोनों केस में, चाहे रेक्टेंगल हो चाहे पैरेलल हो, बराबर भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, है ना. लेकिन रेक्टेंगल के डायगोनल बराबर होते हैं, इसके डायगोनल बराबर नहीं होते हैं. पहली बात समझ में आई? वेरी गुड. अब इसने क्या बोला, ये वर्टिसेस ऑर्डर में हैं. तो पहला क्या है 1, 2, दूसरा क्या है 4, y और थर्ड वन क्या है x, 6 और फोर्थ वन क्या है 3, 5. ये ऑर्डर में दे रखे हैं. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. किसकी वैल्यू बतानी है? एक्स एंड वाई. अब बच्चे क्या गलती करते हैं वो जरा ध्यान से सुनना, देखेंगे. बच्चे क्या सोचते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होंगे? बिल्कुल इक्वल होंगे. तो बच्चे वही मेथड लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना स्टार्ट कर देते हैं. तो मैं लगाकर दिखा भी रहा हूँ. देखिए पूरी गलती क्या करते हैं. डिस्टेंस फार्मूला क्या कि ए बी बराबर है किसके? डी सी के. तो इनके स्क्वायर भी बराबर होंगे. अरे भाई 5 अगर 5 के बराबर है तो इसका स्क्वायर 25 भी तो बराबर होगा. ऐसे इसलिए लिखा जाता है कि आप जब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो स्क्वायर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है. तो देखिए ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी कैसे निकालेंगे. देखिए डिस्टेंस फार्मूला में आप x1 - x2 करें चाहे x2 - x1 करें, क्योंकि पूरे पर स्क्वायर होता है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस चीज़ से. तो देखिए क्या करेंगे आप, 1 - 4 प्लस 2 - y का होल स्क्वायर, x1 - x2 और y1 - y2. आप कंफ्यूज ना हो, डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये भी करेक्ट फार्मूला होता है ना. देखो इसकी वजह क्या है, अगर आप 1 - 3 लिख रहे हैं तो x1 - x2 लिख रहे हैं और 3 - 1 लिख रहे हैं तो x2 - x1 लिख रहे हैं. तो 3 - 1 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का, तो रिजल्ट सेम आएगा. तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ से. ठीक है, चलिए वेरी गुड. एक एक चीज़ को क्लियर करिए, सीखिए कि कहाँ पर क्या बात चल रही है. देखिए ये गलत मेथड जो बच्चे करते हैं, ध्यान से सुनना. अब डी सी कौन है? ये है. तो वो क्या करेंगे, 3 - x का होल स्क्वायर और प्लस 5 - 6 का होल स्क्वायर. और अपने लिए एक मुसीबत मोल ले लेते हैं क्या, अरे भाई इसको पूरी इक्वेशन बनाएंगे, फिर यहाँ से लेंगे उसको इक्वेशन बनाएंगे, लाभ लाभ लाभ, सरदर्द होने लगता है. ठीक है, तो ये सरदर्द हमें नहीं करना है. देखें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ज्योमेट्री का यूज़ हुआ है तो ज्योमेट्री की हमें प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए. तो देखो हमें मालूम है कि इसके डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एक बात और मालूम है कि डायगोनल जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो बाइसेक्टर आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. क्या होते हैं? इक्वल. इक्वल का मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे. तो क्या लिखेंगे, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. बट डायगोनल कभी भी आपस में बराबर नहीं होते हैं पैरेललोग्राम के. क्लियर, बस यही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है. तो हम क्या बोल सकते हैं कि O इज़ अ मिड पॉइंट,
O is a midpoint of AC and also BD. यही मिड पॉइंट ए सी का भी होगा ओ और इसका भी होगा. कैसे? देखो इसका मिड पॉइंट 3 3 तो मिड पॉइंट हो गया, 2 2 तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया. तो ये मिड पॉइंट आप दो तरह से निकाल सकते हैं, एक मिड पॉइंट ऑफ ए सी का रखें, फिर एक मिड पॉइंट ऑफ बी डी का रखें, और दोनों कोऑर्डिनेट को आपस में क्या करते हैं, इक्वल कर दें, तो आंसर आ जाएगा. देखिए कैसे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, देखिए प्रैक्टिस करिए आप, प्रैक्टिस करने से मिस्टेक्स नहीं होते हैं. तो क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ एसी किसके बराबर होगा, मिड पॉइंट ऑफ डीसी. एसी और डीसी का मिड पॉइंट क्या होता है, आपस में इक्वल होता है. तो मिड पॉइंट फार्मूला बताइए क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2. तो मिड पॉइंट खुद एक कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पूरा x है, ये पूरा कौन है, y है. क्लियर? तो ये फार्मूला हम इसके अंदर यूज़ करेंगे. अब यहाँ पर फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप बहुत सारे x1, x2 और x3, x4 ये लेंगे तो वो लेने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा फार्मूला यहाँ लिखेंगे और इम्प्लीमेंट कर देंगे. यहाँ किसकी बात चल रही है, AC की. तो AC के लिए x1, x2 तो 1 + x / 2, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, 2 + 6 ये y कोऑर्डिनेट हो गया. अब DC का मिड पॉइंट कौन है, O है, तो इसीलिए तो बराबर होगा, ये भी O है, ये भी O है. तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 + 4 / 2 और 5 + y / 2. क्लियर? ये दोनों कोऑर्डिनेट आपस में क्या है, इक्वल हैं. और दो कोऑर्डिनेट जब आपस में इक्वल होते हैं तो ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब x कोऑर्डिनेट x के बराबर हो, y कोऑर्डिनेट y के बराबर हो. तभी तो किसी लाइन पर आप पॉइंट लेंगे और वही पॉइंट दूसरी लाइन पर होगा, तभी तो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा. x x और y y क्या करना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए. ठीक है, तो देखिए पहले इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे. 1 + x / 2 और 8 / 2, 3 + 4 = 7 / 2 और 5 + y / 2. क्लियर? तो कितना हो गया, 1 + x / 2 4 कट जाएगा, ये इज इक्वल टू 7 / 2 और 5 + y / 2. ठीक है, अब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल हैं तो तभी इक्वल होंगे. इफ़ 1 + x / 2 इज इक्वल टू 7 / 2, x कोऑर्डिनेट x के बराबर हो और y कोऑर्डिनेट y के बराबर हो, तो ये कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + x = 7, तो x = 7 - 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6. तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 6. अब y देखते हैं, y कितना आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × 2 = 8 = 5 + y, तो 8 - 5 = y, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया. तो 6, 3 इसका क्या आएगा, कोऑर्डिनेट आएगा. ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सिंपल वे में लगा सकते हो. मैं गारंटी दे रहा हूँ 100% इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है. आप इसकी प्रैक्टिस करिए, मिड पॉइंट फार्मूला याद रखिए. मिड पॉइंट फार्मूला याद रखेंगे तो आपको सिंपल वे में ये क्वेश्चन ईजी लगेगा. ठीक है, चलिए बने रहें एपीटी अड्डा के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को.